स्वागत है दोस्तों आपके YouTube चैनल लवफिश हेल्थकेयर में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रोटीकाइंड एम टैबलेट के बारे में। तो दोस्तों ड्रोटीकाइंड एम जो टैबलेट होती है, इसके क्या यूजेस होते हैं, किस तरह के पेन में इसका यूज किया जाता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या सावधानी होनी चाहिए इसको लेने से पहले, इसके अलावा दोस्तों आपके बॉडी में कैसे काम करती है, क्या इसके डोज होते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार जरूर दिखाएं। ड्रोटीकाइंड एम जो होता है एक ब्रांड नेम होती है। अगर हम इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें ड्रोटावेरिन 80 एमजी में होती है, यानी कि 80 एमजी में होती है, जो कि एक एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन होती है। दूसरा जो इसमें कंपोजिशन होता है दोस्तों, मेफिनामिक एसिड होती है, ठीक है, जो कि एक नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होती है। अब बात करें कि ड्रोटीकाइंड एम जो टैबलेट होती है, इसके क्या बेनिफिट होते हैं, किस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। तो पहला बेनिफिट होता है, जो अगर आपके स्टमक पेन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, जैसे कि आपके पेट में क्या होता है, ऐठन सी, मरोड़न सी दर्द होती है, असहनीय पेन होती है, तो ऐसी कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। जैसे कि अचानक से क्या होता है भाई, जब हमें आईबीएस की दिक्कत होती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होती है, या कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो हमारा जो स्टमक एब्डोमिनल होता है, वहां की जो मसल्स होती है, अचानक से क्रैम्प हो जाती है, उनमें ऐठन आ जाती है, वो अपनी जगह से क्या होता है भाई, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें ऐठन सी, मरोड़न सी दर्द होती है, असहनीय पेन होती है पेट में हमारे, तो उस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसका दूसरा जो बेनिफिट होता है दोस्तों, रीनल कोलिक पेन में किया जाता है, यानी कि आपके क्या होता है भाई, किडनी में स्टोन होता है। जब स्टोन होता है तो उस समय क्या होता है भाई, अचानक से पेन यानी कि दर्द अचानक से उठ जाता है, असहनीय पेन होता है किडनी स्टोन का, तो उस कंडीशन में काफी फायदा पहुंचाता है, आपके किडनी स्टोन का जो पेन होता है उससे रिलीफ दिलाता है 5 से 10 मिनट में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जिन लोगों को क्या होता है भाई, गाल स्टोन होती है, यानी कि आपकी पिताशय में क्या होता है पथरी होती है, पथरी होती है तो उस समय बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, पेन जब उठने लगता है, दर्द उठने लगता है, तो ऐसी कंडीशन में ड्रोटीकाइंड एम जो टैबलेट होती है इसका यूज किया जाता है, दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों और भी कंडीशन में यूज किया जाता है, जैसे कि जिन महिलाओं का पीरियड आता है, ठीक है, अचानक से क्या होता है भाई, मसल्स क्रैम्प हो जाती है, ऐठन सी, मरोड़न सी दर्द होने लगती है, तो ऐसी कंडीशन में भी इसका यूज आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों डॉक्टर इसका यूज करते हैं, जैसे कि किसी पेशेंट का क्या होता है भाई, गाल ब्लेडर निकाली जाती है, माइनर सर्जरी होती है, किडनी स्टोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है भाई, ड्रोटीकाइंड एम टैबलेट का यूज किया जाता है, दिया जाता है पेन से राहत दिलाने के लिए, ठीक है। दोस्तों अगर हम बात करें कि ड्रोटीकाइंड एम जो टैबलेट होती है हमारे बॉडी में कैसे काम करती है, जब भी हम इसको यूज करते हैं हमारे बॉडी में जाता है, ये मेटाबोलाइज होता है, ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचता है, तो किस तरह से ये एक्शन शो करता है। इसमें जो ड्रोटावेरिन टैबलेट होती है, कंपोजिशन जो होता है, ये क्या करता है, कैल्शियम के रीअपटेक को रिड्यूस करता है, जिससे कि क्या होता है भाई, जो मसल्स हमारे एब्डोमिनल के क्रैम्प हो जाते हैं, ऐठन आ जाती है उसमें अचानक से, उससे राहत मिलता है, स्मूथ मसल्स को क्या करता है, रिलैक्स करता है। कैल्शियम का काम क्या होता है दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्ट कराने का काम करता है, जैसे हमारे मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, ठीक है, तो इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देता है, जिसकी वजह से पेट में जो ऐठन सी, मरोड़न सी दर्द होती है उससे राहत मिलता है। इसके अलावा दोस्तों जो इसमें मेफिनामिक एसिड होती है, ये एक पेन किलर की तरह काम करती है, जैसे कि आपके बॉडी में क्या होता है, अगर इंजरी हो जाती है, दर्द होता है, तो एक केमिकल मैसेंजर होता है, उसको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, जिससे कि पेन से हमें राहत मिलना शुरू हो जाती है, तो इस तरह से ये काम करती है। दोस्तों अगर हम बात करें कि सावधानी के बारे में, जैसे जो महिला बच्चे को दूध पिलाती है, जो लोग ड्राइविंग करते हैं, या जो लोग प्रेग्नेंट हैं, तो उन्हें अपने डॉक्टर के सुपरविजन में ही इसका यूज करना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम, जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो उन्हें इसके साथ यूज करने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि ये अल्कोहल के एक्शन को बढ़ा देता है, जिससे कि डबल एक्शन हो जाता है, और आपको धुंधलापन दिखना, आपको चक्कर आ जाना, आपको कुछ आपको माइनर सावधानी रखना है आपको इसको लेने से पहले। इसके अलावा दोस्तों बात करें साइड इफेक्ट के बारे में, तो आपके माउथ में सूखापन हो सकता है, आपको डायरिया हो सकती है, और साथ ही साथ दोस्तों आपको क्या होता है, फीलिंग हो सकती है, ऐसे लगेगा कि हमें प्यास लगने की फीलिंग आती है। ये कुछ साइड इफेक्ट होते हैं ड्रोटीकाइंड एम टैबलेट के, ठीक है। दोस्तों अगर हम बात करें कि ड्रोटीकाइंड एम जो टैबलेट होती है इसको कैसे लेना है, तो आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग डॉक्टर देते हैं, जैसे आपको दिन में 2 बार भी दे सकते हैं या दिन में 3 बार भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ड्रोटीकाइंड एम टैबलेट के बारे में। आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई, अगर समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दें।